वो तीर ही किया जो वक्त पर ना चले। आपको पता है हमने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके लाइबा को पसंद किया है, तो कोई तो वजह होगी। अंदाजा था हमें कि आप बड़े दिल के और आला खानदान के लोग हैं, तो मेरी छोटी छोटी सी बातों पर दिल खराब क्यों? अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर आगे कैसे चलेगा मामला? वो मैरिड तो नहीं? I don't know, maybe. पूछा नहीं मैंने। अगर अनमैरिड है तो फौरन प्रपोज कर दो। सॉरी मिस रोजी, अब मेरी तरफ से कोई काम नहीं होगा। ऐसे बदतमीज मखरूज सर फिरे लोगों के घर काम करना मेरी भी तौहीन और मेरे हुनर की थी। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम जानती नहीं हो कि मैं जिंदगी में आप जैसे लोगों से इस कदर वास्ता पड़ चुका है कि अब नाम जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रवैयते भर अपना तारुफ आपको दे, और इंसान के जिस किस्म से आप ताल्लुक रखते हैं मैं बखूबी वाकिफ हूँ। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। और वो सरवर अहमद साहब ने खुद रिश्ता भेजा है और वो कह रहे हैं कि वो बड़ी खुशी और एजाज महसूस करेंगे अगर हमारा सुल्तान उनकी बहन से शादी कर ले तो। मगर वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत शानदार, बहुत अमीर। वो कुछ भी है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुल्तान भी एक शानदार आदमी है? हमारा रिश्ता लेकर तो हम जाएंगे ना। मेरे ख्याल में हमें इतना झुकना नहीं चाहिए सरवर। पहले भी तुम्हारी वजह से हम माशरे से हट कर चल रहे हैं। अब अगर इसी तरह करते रहे ना तो लोग बातें बनानी शुरू कर देंगे। आई थिंक मां ठीक बोल रही हैं। हम अपने हिस्से की एफर्ट कर चुके हैं, अपने हिस्से का इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, नाउ उनकी टर्न है। आई थिंक अबाउट इट, सोच के बताता हूँ कि मैं इस एटीट्यूड के साथ उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता भी हूँ या नहीं। अब बाबा ये तो नहीं हो सकता ना कि वो हमें बुलाएं और हम उनके बुलाने पे दौड़ते चले जाएं। नहीं बेटे, बात वही है कि ये उस वक्त होता जब हमने शादी का पैगाम भेजा होता। पैगाम वहां से आया। थिंक अबाउट इट। जल्दी करो तो बाबा की तबीयत मजीद खराब हो रहा। परेशान मत हो बच्चा, कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। हम जा रहे घर, तुम यही रहेगा बाबा के पास, लेकिन अकेला कहीं बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बाहर अकेला। हमने अपने बाप का बदला ले लिया। बता दो हमको जंदोल, बता दो कि कौन था तुम्हारा साथ। हम कसम का के कह रहे हैं हमने आज तक दुश्मन का औरत पे हाथ नहीं उठाया। तुम्हारा घर का हर औरत को उठा के यहां लेकर आएगा और अपना गार्ड को उसके पीछे लगा। बताओ हमको। और लास्ट नहीं आया अभी तक? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, बरलास जल्दी घर आ जाएगा। हमारे सामने ही है चाची,
पता नहीं कौन है जो सबको मार रहा है। वकील सफाई और प्रोसिक्यूशन के तमाम दलाइल सुनने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम वकार अहमद की बेटी दरअसल उरूज अहमदी है और वही असल में इस जायदाद की और तमाम बिजनेस की हकदार भी है। इस घर से दूर जा रहे हैं तो आप लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया है मैंने, लेकिन आज की रात हम किसी गैर की सूरत अपने घर में हरगिज नहीं देखना चाहते, लिहाजा हमारे घर से निकल जाओ। वो लोग घर छोड़ के ही ना जाए, ये ज्यादा खतरनाक सूरत है और यही मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे भी समझाए ना। देखो जो लोग उरूज महरीन यहाँ तक के उस मासूम की जान के दर पे हो तो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं छोड़ सकते। आरिश, रुक जाए, क्या कर रही है? खबरदार, दूर, दूर, दूर। शाइस्ता, बिल्कुल दूर रहना। छोड़ दो, दूर रहना, मैं इसे नीचे फेंक दूंगी, मार दूंगी इसे। ये मासूम है, इसने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज दे दे इसे मुझे। ठीक कह रही हो, इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इसकी माँ का, तुम्हारी माँ का। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। हाय अल्लाह का शुक्र, मेरे बच्चे, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। सब काम खैर खैरियत से हो गए, अल्लाह का शुक्र। शुक्रिया तो अपनी बहन और भांजी का कर रहे हैं, बहनों ने कोई मसला क्रिएट नहीं। समझदार हैं ये लोग, पता है इन्हें अगर ये कोई मसला करती फिर बड़ा मसला हो जाता ना, है रानी? तुम अपना वादा पूरा करो। कौन सा वादा? आ, मेरा बेबी गुस्से में। वेट करूंगी मैं। किस बात का? तुम्हारे मकाफात का। अलमाज बेगम, अलमाज बेगम है, मेकअप तो इतना हसीन करती हैं कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। पॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि हेल्प कर आ जाए। इनके अम्मी का स्वयं है ना, मेरे साथ जुबान चलाओगी? देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए, हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। ये क्या पता था अलमास की वो मर जाएगी? शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झूठ झूठ के सलाम करती है।